कुछ दिल फरेब अफसाने, कुछ दिलगीर तराने और एक सुहाना सफर। मैं अन्नू कपूर फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में। वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज की पहली कहानी होगी मशहूर व मारूफ तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब की। तबला वादन के लिए दुनिया भर में मकबूल उस्ताद अल्लाह रखा हिंदी फिल्मों में म्यूजिक भी दे चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बल्कि 40 फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। एक कहानी होगी महमूद और पूज्य बापू महात्मा गांधी की। गांधी जी की कही कौन सी बात महमूद के जीवन के लिए हो गई सच। महमूद के जीवन की एक घटना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ। बापू के वचन सार्थक हो गए, सत्य हो गए और सवार गए महमूद का जीवन। इन कहानियों के साथ आज चर्चा करूंगा एक गीत की, जिसके बोल हैं, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये गाना उस वक्त आया जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कहने का अर्थ था मौत को दावत देना। फिर कैसे ये गीत बना रहा इस फिल्म में और इसके गीत लिखने वाले का हुआ क्या, ये कहानी भी सुनाऊंगा आज के शो में। उस्ताद अल्लाह रखा खान ने तबले को एक संगति वाद्य से एकल वाद्य के रूप में प्रतिस्थापित करने की दिशा में अमूल्य योगदान दिया। कहने का अर्थ यह है कि पहले तबला एक संगत वाद्य माना जाता था, मुख्य कलाकार कोई और होता था, तबला अकंपनिंग के लिए होता था। लेकिन उस्ताद जी उन नामों में से हैं जिन्होंने इस साज को सोलो साज बना दिया, सोलो परफॉर्मर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनका नाम आज भी पहली पायदान पर है। उस्ताद जी को दुनिया एक तबला नवाज के रूप में तो जानती है, मगर ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक तबला नवाज होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 29 अप्रैल 1919 को जम्मू के संबा में जन्म हुआ था। तबले की तालीम आपने पंजाब घराना के गुणी उस्ताद कादिर बख्श साहब से ली थी। 60s में पंडित रविशंकर जब भारतीय संगीत का परचम लहरा रहे थे तो उनके साथ अधिकतर टूर्स पर उस्ताद अल्लाह रखा ही होते थे। इन दोनों ने हिंदुस्तान की मौसिकी को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। यही उस्ताद अल्लाह रखा बीते जमाने में AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत भी दिया करते थे। कुछ फिल्मों में तो इन्होंने अपने पूरे नाम अल्लाह रखा कुरैशी का भी इस्तेमाल किया है। 1940 में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे सेंटर में नौकरी मिल गई थी। उसके बाद 40 के दशक से 50 के दशक के बीच लगभग 40 फिल्मों में म्यूजिक दिया। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 1943 में निर्मित हुई फिल्म महासती अनुसैया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी। डायरेक्टर थे BM व्यास। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स में दो नाम मिलते हैं, अल्लाह रखा और अविनाश व्यास। फिल्म के मुख्य कलाकार थे दुर्गा खोटे, शोभना समर्थ और शाहू मोडक। इसके अलावा उस्ताद अल्लाह रखा ने जिन फिल्मों में संगीत दिया वो थी 1944 की फिल्म माँ बाप, 1944 की ही फिल्म घर, 1945 में कुल कलंक जीवन छाया, 1946 में बाबा कजरा हिम्मत वाली, 1947 में किस्मत का सितारा, आबिदा, फ्लाइंग मैन, मल्लिका। इनके अलावा 1950 तक जिन और फिल्मों में संगीत दिया उनमें से कुछ के नाम मैं लेता हूँ, अल्लादीन की बेटी, जादुई सिंदूर, रूप बसंत, सबक, 1952 की फिल्म बेवफा, नूर महल, 1956 की आलमारा और इंद्रसभा वगैरह वगैरह। 50 के दशक तक आते आते जब उस्ताद अपने संगीत कार्यक्रमों में, कंसर्ट्स में बिजी होते गए तो धीरे धीरे फिल्मों से रिश्ता छूट गया। इनकी आखिरी फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर थी 1964 की फिल्म जिसका नाम था ईद का चांद। उस्ताद अल्लाह रखा को 1977 में पद्मश्री
और 1982 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया। 3 फरवरी 2000 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से खां साहब का इंतकाल हो गया। उस्ताद अल्लाह रखा जैसे महान अजीमुशान फनकार को याद करते हुए, सलाम करते हुए खराज अकीदत के तौर पर एक गीत सुनवाने जा रहा हूँ जो उन्हीं की कंपोजिशन है। 1952 की फिल्म बेवफा का यह गीत है, लिखा है सरशार सैलानी ने और गाया है तलत महमूद साहब ने। ये पिक्चराइज्ड है राज कपूर, नरगिस और अशोक कुमार के ऊपर। दिल मतवाला लाख संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, शोख नजर से देखने वाला प्यार का रोग लगा ही गया। वेलकम बैक। बात आज़ादी से पहले की है। गुजरे ज़माने के मशहूर कलाकार मुमताज़ अली के बेटे महमूद छोटे हुआ करते थे। एक बार जब उन्हें स्कूल की तरफ से जुहू बीच ले जाया गया तो खुशकिस्मती से बच्चों की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई, जो उस वक्त वहाँ आए हुए थे। स्कूल वालों ने बापू से प्रार्थना की कि बच्चों से एक बार मिलने आशीर्वाद दें। बापू मान गए और इस तरह एक एक करके हर एक बच्चे से मिलने लगे। हर एक बच्चे से मिल रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और सर पर हाथ रखकर पूज्य बापू आशीर्वाद दे रहे थे। जब बालक महमूद की बारी आई तो गांधी जी ने उन्हें गोद में उठा लिया और महमूद से नाम पूछा। महमूद चूंकि मशहूर बाप के बेटे थे, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास था और आदत भी हो गई थी कि मुमताज अली का बेटा होने के नाते उन्हें हर जगह खास तवज्जो, स्पेशल अटेंशन दी जाती। और जैसे ही लोगों को पता चलता था कि वो मुमताज अली के बेटे हैं, लोगों ने चॉकलेट और मिठाइयां दिया करते थे। तो यही सोचकर जब गांधी जी ने बालक महमूद से नाम पूछा तो उन्होंने यहां भी अपने पिता के नाम का सहारा लेकर खुद का परिचय यूं दिया, मैं मुमताज अली का बेटा हूं। गांधी जी को बालक महमूद ने अपना नाम नहीं बताया। गांधी जी मुमताज अली के नाम से वाकिफ थे। ये बच्चे महमूद की आवाज सुनकर मुस्कुराए और उसके सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और बोले, तू थारा बाप थी वधारे नाम करशे, तू थारा बाप थी वधारे नाम करशे, त्यारे हूं जानी लईश के तारो नाम शू छे। तू थारा बाप थी वधारे नाम करशे, त्यारे हूं जानी लईश के तारो नाम शू छे। यानी एक दिन तू अपने बाप से भी ज्यादा नाम करेगा, तब मैं जान लूंगा कि तेरा नाम क्या है। और बापू के कहे वचन सत्य हो गए। आगे चलकर महमूद ने इतना नाम कमाया कि लोग मुमताज अली का नाम भूल गए और उन्हें मुमताज अली के नाम से नहीं बल्कि मुमताज अली को महमूद के पिता के नाम से जानने लगे। मगर दुर्भाग्य से गांधी जी अपना कहा सच होता देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जबान की बात पत्थर की लकीर हो गई। शाहू मोड़क, महिपाल, त्रिलोक कपूर, अभी भट्टाचार्य, मनोहर देसाई, अनंत कुमार, बालक राम, चंद्रकांत और विश्वजीत वगैरह वगैरह, ये सब वो कलाकार हैं जो कभी ना कभी फिल्मी पर्दे पर भगवान श्री राम का चरित्र निभा चुके हैं। पर फिल्मी पर्दे पर भगवान राम का जिक्र आते ही एक नाम बिजली की तरह जहन में कौंध जाता है और वो नाम है प्रेम अदीप। प्रेम अदीप ने फिल्मी पर्दे पर सबसे ज्यादा बार भगवान राम का चरित्र निभाया। आइए आज मैं आपको इन्हीं प्रेम अदीप के बारे में कुछ बताता हूं। इनका वास्तविक नाम था प्रेम नारायण। कश्मीरी ब्राह्मण थे। जन्म हुआ 10 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। परवरिश ननिहाल जोधपुर में हुई। प्रेम नारायण से प्रेम अदीप कैसे बने, इसके पीछे की कहानी यह है कि इनके पिता पंडित राम प्रसाद एक वकील थे और इनके पूर्वज साहित्यकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्री थे। इसलिए तत्कालीन अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इनके परिवार को लकब दे डाला, उपाधि दे डाली अदीप। तब से अपने सरनेम की जगह ये अदीप लगाने लगे। 1932 में मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, मगर कॉलेज जाने की जगह फिल्मों में किस्मत आजमाने पहुंच गए कलकत्ता। कलकत्ता में इनकी मुलाकात हुई न्यू थिएटर्स के बीएन सरकार से, मगर कुछ बात नहीं बनी। वहां से मायूस होकर प्रेम पहले लाहौर पहुंच गए और बाद में वहां भी जब कुछ मामला जमता नहीं दिखाई दिया तो 1936 में आ गए शहर मुंबई। बॉम्बे आकर स्ट्रगल शुरू किया और किस्मत मुस्कुराई और कुछ वक्त में ही इन्हें
काम भी मिलने लगा। सबसे पहले इन्हें यहां 100 रुपए महीने की तनख्वाह पर राजपुताना फिल्म्स में नौकरी मिल गई। पहली फिल्म थी रोमांटिक इंडिया। 1936 से 1942 तक उन्होंने बहुत सारी सोशल फिल्म्स में काम किया, जिनमें प्रमुख फिल्में थीं खान बहादुर, डिवोर्स, घूंघटवाली, स्टेशन मास्टर, चूड़ियां वगैरह वगैरह। 1942 में प्रकाश पिक्चर्स की विजय भट्ट द्वारा डायरेक्टेड भरत मिलाप में पहली बार प्रेम अदीप साहब को भगवान राम का चरित्र निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले ही साल 1943 में रामायण के उत्तरार्ध की कथा पर आधारित राम राज्य फिल्म में भी प्रेम ही राम बने। इन दोनों ही फिल्मों में सीता का रोल किया था नूतन और तरुजा की माताजी शोभना समर्थ ने। यहां ये बता देना लाजमी है कि राम राज्य फिल्म इतनी कमर्शियल हिट थी कि ये मुंबई के सुपर सिनेमा में 108 हफ्ते तक चली। इस फिल्म की सफलता का पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि इस फिल्म को महात्मा गांधी ने भी देखा, जिन्हें फिल्में देखने का कतई शौक नहीं था। इस फिल्म के डायरेक्टर भी विजय भाई भट्ट ही थे। इसके बाद विजय भाई भट्ट ने ही 1948 में राम बाण का निर्देशन किया, जिसमें राम और सीता की भूमिका प्रेम अदीब और शोभना समर्थ ने ही निभाई। 1949 में स्वयं प्रेम अदीब ने एक फिल्म बनाई राम विवाह, और इस फिल्म में भी खुद राम की भूमिका की और सीता के रूप में लिया एक बार फिर शोभना समर्थ को। इनके अलावा जिन और फिल्मों में प्रेम अदीब ने राम का रोल किया वो है नाना भाई भट्ट की लवकुश और राम जन्म। ये दोनों फिल्में 1950 में आई थी। 1954 की हनुमान जन्म और 1957 में राम हनुमान युद्ध के रोचक प्रसंग पर बनी एक फिल्म में भी राम के पात्र को निभाने का दायित्व प्रेम अदीब ने ही निभाया। राम के किरदार में प्रेम अदीब की आखिरी फिल्म थी रजनी चित्र द्वारा प्रोड्यूस्ड 1958 की फिल्म, जिसका नाम था एक भक्त विभीषण। फिल्म के पर्दे पर सबसे ज्यादा बार राम बनने वाले प्रेम अदीब असली जीवन में सिगरेट पिया करते थे, नॉनवेज भी खाया करते थे, मगर कलाकार की भावना देखिए कि वो जब जब राम के रोल के लिए तैयारी करते थे, शूटिंग करते थे, तब पूरी फिल्म के बनने तक ना तो सिगरेट पीते थे ना मांस मदिरा को हाथ लगाते थे। ऐसे बिरले कलाकार को काल के क्रूर हाथों ने बहुत जल्दी ही छीन लिया। केवल 42 साल की उम्र में ही 25 दिसंबर 1959 को दिमाग की नस फट जाने के कारण प्रेम अदीब का निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर तबके का अपना अपना अहम योगदान रहा है। फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसने गुलामी के दिनों में देश के जन जन के हृदय में जोश भर दिया। 1943 की बात है, एक फिल्म आई किस्मत। डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी, संगीत था दादा अनिल विश्वास का, अशोक कुमार इस फिल्म के हीरो थे। इसी फिल्म में हीरोइन मुमताज शांति साथियों के साथ स्टेज पर एक गाना गाती है। आवाज दी है अपने जमाने की मशहूर गायिका अमीर बाई कर्नाटकी, बाकी कोरस है। कोरस की आवाज में जो प्रोमिनेंट आवाज एक सुनाई पड़ती है वह खान मस्ताना की। अमीर बाई कर्नाटकी सोलो गाती हैं, उनके साथ कोरस ज्वाइन होता है। गीत के बोल, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये वो दौर था जब चारों तरफ भारत छोड़ो आंदोलन की लहर थी। छोटे बड़े जितने भी नेता थे वो या तो गिरफ्तार हो चुके थे या अंडरग्राउंड हो चुके थे। उस खतरनाक विभत्स दौर में जब अंग्रेजों का दमन चक्र अपनी चरम सीमा पर था, किसी फिल्म में ऐसे गीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर यह हिम्मत की कवि प्रदीप ने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने। जैसी ये फिल्म आई, लोगों ने गाना सुना, ये गाना लोगों के दिल और दिमाग में चढ़ गया। हालत यह हो गई कि सिनेमा हॉल में यह गाना बार बार चलाना पड़ गया। उस वक्त इस गाने ने देश भर में वतन परस्ती के जज्बे को और भड़का दिया। कवि प्रदीप का कमाल देखिए कि गाने में सीधे सीधे अंग्रेज सरकार को निशाना न बनाकर भी सब कुछ कह दिया और सहारा लिया गया जर्मनी और जापान का, जो उस समय अपोजिशन के किरदार थे। अंतरे का मिसरा देखिए, तुम न किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी। गाने की पॉपुलरिटी को देखकर अंग्रेज सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच गया। सवाल उठ खड़ा हुआ कि स्टेट सेंसरिंग अथॉरिटीज ने इस गीत के साथ फिल्म को पास कैसे कर दिया।
फिल्म के प्रोड्यूसर को बुलाया गया तो उन्होंने भी इसी चतुराई से जवाब दिया कि इसमें नाजी जर्मनी और तानाशाह जापान को ललकारा गया है, ना कि अंग्रेज सरकार को। अंग्रेज सरकार फिल्म के प्रदर्शन को तो नहीं रोक पाई, पर प्रदीप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इश्यू कर दिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कवि प्रदीप को अंडरग्राउंड हो जाना पड़ गया। यह फिल्म उस जमाने में इतनी मशहूर हुई कि कलकत्ता के रॉक्सी थिएटर में लगातार 3.5 साल तक चली और उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे दोहराया जाना मुश्किल है। कवि प्रदीप जी को शत शत नमन करते हुए, उनके वतन परस्ती के जज्बे को सलाम करते हुए, अब के बरसात की रुत और भी भड़कीली है, अब के बरसात की रुत और भी भड़कीली है, जिस्म से आग टपकती है कबा गीली है। आज का गीत है बेताब फिल्म से, बादल यूं गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के बिजली हम पे गिर जाएगी। फिल्म है बेताब, डायरेक्टेड बाय राहुल रवेल। बेताब के प्रोड्यूसर थे विक्रम सिंह दहलिया, यूं कहें धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी को लॉन्च करने के लिए फिल्म बनाई थी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले जावेद अख्तर का और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। रिलीज हुई थी ये फिल्म 1983 में, सनी देओल अमृता सिंह की लॉन्चिंग फिल्म थी और हमारी जानकारी के मुताबिक बेताब संभवतः पहली ऐसी फिल्म थी जिसे सेंसर बोर्ड ने UA का प्रमाण पत्र दिया था। अगर आपके पास इससे पहले की किसी UA प्रमाणित फिल्म की जानकारी हो तो प्लीज हमसे शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी। फिल्म बेताब वो फिल्म थी जो सनी देओल अमृता सिंह के अलावा भी दो और कलाकारों के लिए उनके करियर का एक अहम पड़ाव साबित हुई। पहले कलाकार हैं शब्बीर कुमार, हालांकि शब्बीर को पहला मौका 1981 में उषा खन्ना ने दिया था, फिल्म का नाम था तजुर्बा, पर शब्बीर कुमार की असली पहचान बनी फिल्म बेताब से। इस फिल्म में 5 गाने शब्बीर कुमार ने गाए थे और दूसरे कलाकार जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उस फिल्म की सफलता के बाद नए आयाम तय किए, ये थे फिल्म के कैमरामैन मनमोहन सिंह। बेताब को फिल्मफेयर अवार्ड्स में 4 नॉमिनेशन मिले थे, बेस्ट एक्टर के लिए सनी देओल, बेस्ट म्यूजिक के लिए आरडी बर्मन, बेस्ट लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी और 4th नॉमिनेशन शब्बीर कुमार का हुआ था, वो भी एक नहीं दो दो गानों के लिए। मगर इन नॉमिनेशंस के बावजूद बेताब को कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और ये फिल्म मेरे फिल्म करियर में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ये मुंबई शहर में जब मैं आया तब मेरी पहली रिलीज्ड फिल्म थी। कानपुर के समीर जी ने हमसे जानना चाहा है मनोज कुमार जी से जुड़ा एक किस्सा। तो समीर जी, मैं आपको बता दूं कि ये बात तब की है हमारे देश में जब इमरजेंसी लगी थी 1975। ये वो दौर था जब आज़ाद लब और कलम पर पहरेबंदी की कोशिश की गई थी, प्रेस से लेकर कलाकारों पर सख्तियाँ लगा दी गई थी। इसी दौर में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिससे फिल्म प्रोड्यूसर्स के होश उड़ गए। ऑर्डर यह था कि कोई भी फिल्म जो सेंसर बोर्ड से पास होगी उसे 2 महीने के अंदर अंदर दूरदर्शन पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, वो दौर आज के जैसा नहीं था कि फिल्म हफ्ते भर में मल्टीप्लेक्सेस से टेलीविजन राइट से अपनी लागत निकाल ले। निर्माता को फिल्म की लागत निकालने में बरसों लग जाते थे। ऐसे में अगर कोई फिल्म केवल 2 महीने के अंदर ही टीवी पर आ जाएगी तो निर्माता के लिए बहुत बड़े नुकसान की संभावना है। मनोज कुमार का विद्याचरण शुक्ल से परिचय था, इसलिए इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इम्पा के श्रीराम बोहरा और GP सिप्पी ने मनोज जी से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ दिल्ली चलें, मिनिस्टर से बात करें। मनोज जी राजी हो गए और चल दिए दिल्ली विद्याचरण शुक्ल से बात करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उन्होंने मंत्री जी को बहुत समझाने की कोशिश की मगर मंत्री जी माने नहीं। मंत्री जी का तर्क यह था कि फिल्म की लागत पूरा करने के लिए 2 महीने बहुत होते हैं, ना तो इस फैसले को बदला जाएगा और ना ही ज्यादा वक्त दिया जाएगा। सारी कोशिशें नाकाम होते देख मनोज कुमार ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की भलाई के लिए एक रिस्की स्टेप उठाने का फैसला कर लिया। उन दिनों मनोज कुमार जी की फिल्म शोर रिलीज हो गई थी, कुछ जगह पर चल रही थी, दिल्ली में भी एक थिएटर में फिल्म चल रही थी। हालांकि ये वाकया 1975 का है और फिल्म शोर 1972 की,
पर 3 साल होने के बाद भी फिल्म शोर अच्छा बिजनेस कर रही थी। मनोज कुमार जी ने अपने तर्क, अपना रीजन, अपना कारण को सिद्ध करने के लिए विद्याचरण शुक्ल से कहा कि आप मेरी फिल्म शोर दूरदर्शन पर दिखाने की व्यवस्था कर दीजिए। अगर दूरदर्शन पर फिल्म दिखाए जाने के बाद फिल्म के बिजनेस में फर्क नहीं पड़ा तो हम आपके फैसले को मान लेंगे, लेकिन अगर फिल्म के कलेक्शन में, फिल्म की जो इनकम है उस पर फर्क पड़ गया तो आपको हमारी बात मानते हुए इस फैसले को बदलना होगा। शुक्ल जी मान गए और उन्होंने शोर फिल्म को दूरदर्शन पर चलाने की व्यवस्था कर दी। फिल्म टीवी पर दिखाई गई और जैसा कि जो होना था वही हुआ। उसके अगले दिन थिएटर में फिल्म देखने आने वालों की संख्या में गिरावट आने लगी और ये गिरावट लगातार होती चली गई। अब मनोज कुमार जी ने टीवी पर फिल्म दिखाने के पहले और बाद के आंकड़े मंत्री जी को दिखाए, जिसमें साफ हो रहा था कि मनोज जी को भारी नुकसान हुआ है। अपने नुकसान के आंकड़ों को सामने रखते हुए मनोज जी ने विद्याचरण शुक्ल से पूछा कि कहिए जी, अब क्या कहते हैं आप? मंत्री जी की बात समझ में आ गई और उन्होंने जल्द ही अपना यह आदेश वापस ले लिया। मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं कि बकौल मनोज जी, ये अकेला ऐसा बड़ा केस है जो फिल्म इंडस्ट्री ने सरकार से जीता। नमन है ऐसे कलाकार को, ऐसे इंसान को जिसने फिल्म इंडस्ट्री के हित को अपने हित से बड़ा समझा और खुद का नुकसान करवाकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नुकसान को बचा लिया। तो समीर जी, मुझे उम्मीद है कि क्लैरिटी हो गई होगी। ये किस्सा मनोज जी ने अपने बर्थडे स्पेशल में हमें सुनाया था, हमारे साथ शेयर किया था। अगर आप भी सुनने वाले कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर प्रश्न कीजिए, हमें SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और भेज दीजिए 55454 पर। प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।